ओम जय कृष्णाय नमः। जग तारक है आए चरणों में नमो नमः। ओम जय गुरुदेवाय नमः। भक्त वत्सल कृपालु कृपा है करते, स्वामी कृपा है करते, झोलियां है भरते। ओम जय गुरुदेवाय नमः। यह अमरफल जो दिया है वो अपने तरफ बुलाने का निमंत्रण दिया है। यह अमरफल तो वही खाएगा जो अमरलोक जाएगा। मैं अमरलोक जाने में समर्थ हो गया हूं, इसलिए इस अमरफल को लेकर प्रस्थान करूंगा। संसारी, कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न हो। भक्ति करेगा कोई सुरमा, जाति वर्ण कुल खोर लिखा है यहां पर। इसीलिए हम लोग सब लिखते हैं कि हरदम हमारी निगाह पड़ती रहे तो हम अपने को बदलते रहे, इसीलिए श्लोक लिखा जाता है, इसीलिए फोटो लगाया जाता है। और इनके ऊपर दूध दही मीठा मीठा ऊपर से गिराते रहो। और हमारे कुत्तों को छोड़ दो इनको चाटने के लिए। फल लोग देखें कि सर्वोच्च सत्ता के लोग भी दंड पा सकते हैं। अभी देखते हो कि सर्वोच्च सत्ता के लोग केस लंबी चलती है, धीरे धीरे छूट जाते हैं। और विक्रमादित्य आदेश इंप्लीमेंट करने के लिए भेज दिया। इसके बाद इस विपरीत परिस्थितियों में विक्रमादित्य कांप उठा। 18 वर्ष का लड़का जो अपने भाई के बड़े भाई को बाप समझ रहा है, भाभी को मां समझ रहा है, इस विषम परिस्थिति को समझ नहीं पाया। लेकिन यही देखो राजाज्ञा होता है। अब इसके बाद खड़ा हुआ, कहा ब्राह्मणों मेरे लिए लाल वस्त्र मंगाओ, सन्यास का वस्त्र मंगाओ। वो भी आया। हो क्या रहा है विक्रम ने समझा। अब अपना मुकुट निकाला, तत्क्षण विक्रमादित्य के ऊपर रख दिया। आसीन कराओ मेरे आसन पर। अब ब्राह्मण लोग बोलने लगे, ओम सहस्र शिखा पुरखा सहस्र अक्षा सहस्र पात सहस्र। यही होती है श्लोक है ना जी। राजा सिंहासन राजा रूढ़ हुआ। और तत्क्षण विक्रमादित्य, देखो यही राजा जो है एक क्षण में बदल जाता है, एक क्षण में बदलता है। इसीलिए तुम लोग बार बार कहते हैं हम चिरकुट मत बनो, बी लाइक किंग, डू लाइक किंग, थिंक लाइक किंग, दीक्षा में ही कहते हैं ना क्या जी प्रदीप, याद है बना है। एक मिनट एकदम जब तक से जिंदा रहो राजा की तरह रहो, क्या चिरकुट की तरह जी जी कर रहे है। नहीं है तो आस बन जाओ, नहीं है तो आज से बन जाओ राजा। और राजा भरतरी सन्यासी का बस पसक पढ़ा और भाई को बैठा कर चल दिया नंगे पांव। खर्चा नहीं लिया रास्ते में, कुछ बस ट्रेन का कुछ खर्चा लेना चाहिए, कुछ खर्चा नहीं लिया, चल दिया नंगे पांव। जो कभी पांव में जूतियां पहनाने के लिए 10 आदमी खड़ा है, नंगे पांव। तत्क्षण बदल गया। लोग कहते हैं कि हम लोग शराब छोड़ेंगे, गुरुजी धीरे धीरे छोड़ेंगे। अरे धीरे धीरे कुछ छूटता है, छूटता है कहीं? तत्क्षण छूटता है। तू लोग नहीं जानता था मैं चाय बहुत पीने का, पान खाने का बड़ा आदी था। दिन भर में सैकड़ों कप, जितने लोग मिलने आए चाय चाय, पान में कहीं चलता था तो पान के बटुआ एक आदमी लेके साथ चलता था, बड़ा शौक से तेरे खाता था, पान थूकता था। एक दिन मुझे ऐसे हुआ कि
अरे तो बड़ा खरबड़ है यार, एक आदमी पान खिलावे पान, हरदम बटुआ रखा रहता था, दांत एकदम खराब होते चला गया। ततक्षण एक दिन मैंने कि आज के बाद नहीं, नहीं छोड़ दिया, ततक्षण एक दिन मैं छोड़ दिया। चाय और पान की नशा थी, कोई गांजा भांग बीड़ी सिगरेट शराब तराब तो छुआ नहीं आज तक। अब लोग जो आते थे मेरे यहाँ मिलने, चाय मंगाता था पी लीजिए, कहा कि महाराज जी आप नहीं, ना क्यों, यानी कि तुमको विष पिलावे तो हम भी पिए, अभी इस भाषा का प्रयोग किया, तुमको विष पिलावे तो हम भी पिए, तुम पी, तो कहते थे विष है तो हमने विष नहीं है तो अमृत है, अब जब समझ गए कि विष है तो हम क्यों पिए, तू पीना पिए मानेगा नहीं तो हम भी नहीं पिएंगे, तो मत पी, ले जाओ भाई। एकदम जब तक से रहा मैं यही किया, छोड़ दिया छोड़ दिया। धीरे धीरे छूटता है यार, धीरे धीरे जो करता है नाटक करता है, कुछ नहीं। कोई कहेगा हम धीरे धीरे साधु बनेंगे, धीरे धीरे बनता है कोई, गुरु जी थोड़ा चोरी करें धीरे धीरे बनेंगे, धीरे धीरे कोई बनेगा? एक दिन में बनता है, एक दिन में बिगड़ता है, ततक्षण संकल्प शक्ति चाहिए। भीष्म पितामह धीरे धीरे कहा कि पिताजी हम धीरे धीरे संकल्प लेते हैं ब्रह्मचारी बनेंगे, ततक्षण संकल्प लिया, और यह संकल्प शक्ति है, और तुरंत एक साधारण लड़का से भीष्म बन गया, पितामह बन गया। यह ततक्षण होता है बच्चा, यह संकल्प शक्ति से, यह नहीं कहता है कि हम कैसे क्या करेंगे, बस सब संकल्प से संभव है। इसलिए दीक्षा में भी मैं कहता हूं अक्सर, सब पहले ही दीक्षा में कह देता हूं, संकल्प के धनी बनो, शिव संकल्प, भगवान शंकर तरह संकल्पवान बनो, कहता हूं। लेकिन तू लोग कहता है गुरु जी आप कहते हैं लेकिन हम लोग सुनते नहीं, तो क्या करता है बच्चा, बस कंठी माला लगा लेते हैं, काहे के लिए लगा लेता है बच्चा, तो बस लाइसेंस ले लेते हैं गुरु कर लिए। हम कह वो गुरु है कि गरु है, हरियाणा में गुरु को लोग गरु कहता है, गरु जी। गरु जी कहता है, तो गरु हुआ ना। और देखो राजा भरतरी तक्षण कितना घंटा में टाइम हुआ, सुबह 10 बजे आया ही राजगद्दी बैठा, एक घंटा में ही बदल चल दिया, 11 बजते तुम लोग जानते हो 11:30 से 12:30 बजे का मुहूर्त, तुम लोग इस मुहूर्त में हम स्वर साधना बताते हैं, तुम लोग 11:30 से 12:30 बजे का मुहूर्त जो है बड़ा अच्छा होता है, इस समय में जो भी काम करेगा सफल होता है। लेकिन याद नहीं रखता है, भूल जाता है। भगवान राम इसी सूर्यवंशी है, राम भी, राजा भरतरी भी सूर्यवंशी है, इसलिए सूर्य जब बढ़ता है, चढ़ती कला कहते हैं इसे, चढ़ती कला, सरदार लोग इसे चढ़ती कला कहते हैं, चढ़ती कला में जो काम करेगा चढ़ती कला को प्राप्त कर लेगा। और ठीक इसी समय, ठीक 11:30 बजे हुआ, संयोग होता है, महापुरुषों के संकल्प का संयोग हो जाता है, चिरकुट जो है ग्रह नक्षत्र देखते रहता है, कुछ होता ही नहीं। और 11:30 बजे ठीक निकले, मुस्कुराते हुए, कोई चेहरे पर पश्चाताप नहीं, बस एक फल है, वही फल अमर बेल, देखो सन्यासी साधु क्या करेगा, बस एक अमर फल देगा, वही पॉकेट में वही एक थाती लेकर चल रहे हैं कि भूख लगेगा तो खाएंगे, लेकिन खा भी नहीं रहे, वो अमर फल घूम रहा, जल्दी जल्दी खा जाना चाहिए। कोई नहीं खाया। इसीलिए जो साधु विलक्षण रहता है बचना चाहिए, उसको कोई चेला नहीं मिलता है, उस साधु कोई चेला नहीं मिलता, अपने आकर अमर फल दे गया, देखो लेकिन बुला दिया, अब आओ मेरे पीछे दौड़ो, अब फल ही तुझे रास्ता बताएगा मैं कहाँ हूं। राजा भरतरी पहुंचे
देखे कि वहां दंड का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, तब तक से दोनों को गाड़ दिया गया और कुत्ते भिड़ गए हैं चारों में। कहा कि मेरे जीवन का अंतिम दंड, वह देख करके आगे बढ़ गए। उज्जैन से निकलकर सीधे, जानते हो कहां गए, सीधे चुनार किला देखते हो ना, मिर्जापुर जिला में, मिर्जापुर और हमारे बरईपुर आश्रम के बीच में चुनार है, वहां चुनार में भर्तरी का वही समाधि है। मैं वहां पर 6 महीना रहा हूं उस समाधि पर भी। जब हमारे रामूदास के पिताजी वहां रहते थे चुनार, चुनार में ही आश्रम में रहते थे, तो मैं वहां पर सुना था बचपन से। हमको भर्तरी के प्रति बड़ी लगाव आस्था थी। वह अंदर अभी तो किला में पुलिस फोर्स के अंडर में है, लेकिन हमें को जाने देते थे, हम जाते थे वहां पर, भर्तरी जी के यहाँ ध्यान करते थे, पूछते थे कि तूने क्या कर दिया। चलो यह भर्तरी की किला अभी भी है, तुम लोग जाना चाहिए, मिलना चाहिए भर्तरी जी से, बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए कि आपने ठीक किया कि गलती किया, इस पर बात होगी ना। भर्तरी जी अब उसी गुरु के निर्देशन में तपस्या में लग गए। अब वेश्या भी मामूली वेश्या नहीं थी जो अपना फल लेकर गई थी, वह 10,000 मुद्रा 1 महीना ने ली। भर्तरी जी गए उनके पीछे पीछे, वह भी लग गई, जा कहाँ रहा है, इस फल से भी कीमती इसके पास कुछ शक्ति है, इस राज से भी कीमती शक्ति है, इस पत्नी से भी कीमती शक्ति है, आखिर सबसे कीमती शक्ति है, कौन सी शक्ति के लिए यह लाल वस्त्र पहन करके चल दिया। वह डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कि हमको देखे भी नहीं, और वह भी पीछे लग गई। जहां उनके गुरु जिस जंगल में रहते थे, उस समय चुनार में बहुत जंगल था, उस जंगल में जब चले गए तो वह जंगल जहां खत्म होता था वह वेश्या वहीं झोपड़ी लगाकर रहने लगी। अच्छा आएगा तो इसी रास्ते से ना, इंतजार करूंगी। देखो तुम में जब अस द्वितीय प्रतिभा जन्म ले लेगी तो तुम्हारे साथ वाला जो आदमी परिकले रहेगा वेश्या को ही बदलना होगा। और नहीं बदलना होगा तो मूर्ख हृदय न हो ही चेत जो गुरु मिलांची सब। तुलसीदास थक कर कहे ना, मूर्ख हृदय न हो ही चेत जो गुरु मिले ही बिरंज समा। ब्रह्मा ही मिल जाएगा तो क्या कर लेगा। फल ही न फूल ही बेत, बेत को जानती है ना, बेत पर अमृत का वर्षा होगा तो न फलेगा न फूलेगा। कभी भगवान कृष्ण भी करते हैं मूढ़, उसे मूढ़ शब्द के लिए प्रयोग किए, मूढ़ चित्त को ज्ञान नहीं होता है। मूढ़ का अर्थ मूर्ख नहीं, हमने बताया है। एक 5 वर्ष का लड़का जाता है दीपक पकड़ लेगा, जाता है कुआं में कुछ डाल देगा, वह मूर्ख हो सकता है। लेकिन जो आदमी पढ़ा है लिखा है जानता है कानून जानता है नियम जानता है सब जानता है, वह जानते हुए गलती करता है तो वह मूर्ख है कि मूढ़ है। कृष्ण भगवान इसे के मूढ़ कहें। दुर्योधन मूढ़ है, दुर्योधन सब जानता है कृष्ण के बारे में लेकिन जानते हुए भी नकार देता है, तो मूढ़ हुआ ना दुर्योधन को, इसलिए मूढ़ शब्द का प्रयोग किए। अक्सर गीताकार लोगों ने मूर्ख अर्थ मूढ़ का अर्थ मूर्खे लगाया है, लेकिन मैं नहीं कहा मूढ़ का अर्थ मूर्ख नहीं। कबीर साहब भी मूढ़ शब्द का प्रयोग किए हैं, मूढ़। और भर्तरी जब जंगल में चले गए 12 वर्ष घोर तपस्या किए गुरु के निर्देशन में, और कहे कि तुम्हारा 12 वर्ष तपस्या हो चले जाना, और गुरु तो साथे बैठेगा नहीं, गुरु तो बताकर विधि छोड़ देगा, जाओ काम करो। राजा भर्तरी 12 वर्ष, समझाओ कि भर्तरी लगभग उस समय उनकी 30 वर्ष की रम ही होगी उम्र, 32 वर्ष की, युवक थे ना, इसलिए युवा अवस्था ही घनघोर तपस्या का है। 30 12 कितना हो गया, 42 वर्ष घोर तपस्या भी जवानी में किए ना, निकले कि मैं अब सिद्ध हो गया। जब निकले तब तक से वह वेश्या कोठी बना ली, 2 मंजिल बना ली, लेकिन रहती थी वहीं झोपड़ी की जगह पर 12 वर्ष में, लेकिन देखते रहती थी
वो फकीर आ रहा है कि नहीं, 24 घंटा वही रास्ते निहारती थी, जैसे सबरी रास्ता निहारती थी राम के लिए, वह बेस्या रास्ता निहार रही है, कोई सृष्टि में नहीं देख रहा है ना। निहारना माने अवलोकन करना, गहराई से देखना, कब वह सन्यासी इस रास्ते से निकलता है। एक झटके में निकल सकता है, इसका मतलब हरदम उसका ध्यान लगा है रास्ते पर, ध्यान लगा है सन्यासी पर। ठीक 12 साल में देखा कि वह ठीक उसी समय 10-11 बजे ही वह सन्यासी निकला, दाढ़ी बढ़ी हुई है, चेहरा पर दिव्यता है, और ऊपर से वह स्वागत के लिए तैयार थी बेस्या, झाड़ू बहारू की हुई थी और सब उस पर डाल दी। अब झाड़ू बहारू लेकर खड़ी थी ना इतना दिन से, देखो बेस्या भी गुरु काम कर रही है, सब डाल दी हर 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 करके। राजा भरत ने ऊपर देखा और उनके आवा मुख से निकला, दुष्टे तू देख नहीं रही हो, जाओ मैं सन्यास ले लिया, नहीं तुम्हें बताता। बेस्या बोली, अभी तो तू राजा ही है, अभी अहंकार तुम्हें ज्यों का त्यों है, कोई तपस्या नहीं, बरतरी हुई तुम हो। कहा कि अच्छा, ये बेस्या जान, ये कौन लड़की है जान गई कि हम तू भरतरी ही हो, ठीक कह रही है, प्रणाम किए, माता प्रणाम, लौट गए। फिर 12 साल तपस्या घोर किए, फिर जब लौटे तो देखो वो भी इंतजार कर रही है उनकी, किसकी तपस्या कहोगे। फिर जब देखे ठीक समय पर लौटे, फिर कूड़ा करकट रखी थी, सरेह के रखती ना, रोज रोज इंतजार करती है, फिर ऊपर से हर हर डाल दी। एक मिनट इधर उधर हो गए तो चल जाते, वो एक मिनट भी नहीं होने दे रही है, उसका भी संकल्प है। जब इस बार देखे, देखे आंखें लाल हो गई, आंखें लाल है, अहंकार भी है, कुछ है, सिद्ध नहीं हुआ। यदि तुमने बहुत सिद्धियां ले ली तो सिद्धियों से क्या फायदा। कबीर साहब कहते हैं, सिद्ध हुआ तो क्या हुआ, चिल कौड़ा मरड़ा, ये चिल और कौए की तरह आकाश में उड़ रहे हो, आकाश में उड़ने लगा, हाथ से इत्र उठाया भभूत गिरने लगा, लौंग इलायची गिरने लगा, कहा कि कौन सिद्धता, दो टके की है। फिर देखो अभरतरी लौटा, फिर लौट गया। सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में चैत्र नवरात्र का कार्यक्रम 6-13 अप्रैल तक सदगुरु धाम आश्रम नांगलोई दिल्ली में धूमधाम से मनाया जाएगा। दिनांक 7-12 अप्रैल तक पूज्य सदगुरुदेव विशेष स्वर साधना प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। 12 एवं 13 अप्रैल को दिव्य गुप्त विज्ञान की कक्षा आयोजित की जाएगी। 13 अप्रैल दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर पूज्य सदगुरुदेव ब्रह्म दीक्षा प्रदान करेंगे। स्वर साधना, दिव्य गुप्त विज्ञान एवं ब्रह्म दीक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आप सभी से निवेदन है कि अपना नामांकन पूर्व में ही करवा लें। नामांकन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल 2019। संपर्क सूत्र 09205756830, 09968430203।